प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्याय के विविध आयामों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय के बारे में। क्या हमारा लेक्चर अभी चल रहा है न्याय के विविध या विभिन्न आयाम या प्रकार? न्याय के आयामों के संदर्भ में आज ये तीसरा लेक्चर है हमारा। मैंने इससे पहले न्याय के पांच आयाम आपको समझा दिए हैं। प्रथम लेक्चर में न्याय के आयाम से संबंधित जो लेक्चर है उसे मैंने कानूनी, औपचारिक न्याय और प्राकृतिक न्याय को समझाया है। न्याय के आयाम के संदर्भ में जो दूसरा लेक्चर अपलोड किया है उसे मैंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को समझाया है। तो न्याय के पांच आयाम हो गए और दो आयाम आज ले रहे हैं हम, क्या क्या? प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। कुल मिलाकर के न्याय के जो मुख्य आयाम होते हैं वो सात होते हैं। तो आज हम दो की चर्चा कर रहे हैं, पांच मैंने आपको समझा दिए। मैं पुनः कह रहा हूं आपको कि मैं कोई भी अवधारणा लेता हूं तो मैं उसको क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, अर्थात उसमें कोई भी बात छूट ना जाए, ये मेरा भरसक प्रयास रहता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम न्याय के विविध आयामों के अंतर्गत या इसके प्रकारों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय की चर्चा करेंगे, जो कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और मैंने देखा विद्यार्थी विशेष गलती करते हैं, इसलिए मैं विद्यार्थी कहाँ गलती करते हैं उनको ध्यान में रखते यहाँ पर सभी बातें नोट भी कर दी है और एक एक बात की मैं व्याख्या भी करूंगा, जिससे आप इन दोनों ही आयामों को ठीक से समझ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, देखिए भाई, जब व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के कुछ आधार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, कानून, न्याय, दंड, कर्तव्य, अधिकार, राजनीतिक आज्ञाकारिता। तो वास्तव में न्याय भी व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का एक आधार है। अब व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के आधार के रूप में हम न्याय के आयामों को समझा रहे हैं और न्याय के आयामों में आज हम केवल दो की चर्चा कर रहे हैं, प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों प्रकार के न्याय को आप ठीक से समझें इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं। महत्वपूर्ण बातें मैंने इनमें नोट कर दी हैं, ये बातें समझने के बाद में ये सारी बातें आप आसानी से, सरलता से समझ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ संकेत दिया है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए, क्या कि सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, इस पर समकालीन चिंतन में इन दोनों में मतभेद पाया जाता है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, इस पर समकालीन चिंतन के अंतर्गत इन दोनों में मतभेद पाया जाता है। इन दोनों का मतलब प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय में मतभेद पाया जाता है कि सामाजिक जीवन में न्याय किस प्रकार से स्थापित किया जाए, जिससे कि समाज में व्यवस्था की स्थापना हो, जिससे कि समाज में नैतिकता की स्थापना हो, जिससे कि समाज में सत्यता की स्थापना हो, जिससे कि समाज में वास्तविक रूप में किसी भी वर्ग विशेष, जाति विशेष का अहित नहीं हो, केवल कुछ गिने चुने लोगों को लाभ प्राप्त ना हो। इस संदर्भ में वास्तव में दोनों में मतभेद पाया जाता है, अर्थात सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, इस पर समकालीन चिंतन में, समकालीन चिंतन से के अंतर्गत हम जैसे जितने भी विद्वान हैं, यहां मैंने नीचे नाम भी नोट कर रखे, इधर ये रहे, ये सारे के सारे समकालीन राजनीतिक चिंतन है, मैंने यहां सबके नाम नोट कर रखे। तो समकालीन चिंतन में इन दोनों में मतभेद पाया जाता है, इन दोनों का मतलब प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय में मतभेद पाया जाता है कि भाई सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए। अब ये मतभेद कहां पर है आप प्रारंभ में ही इन दोनों को समझ जाएंगे। चलिए, दो आयाम ले रहे हैं आज हम, पहला आयाम है प्रक्रियात्मक न्याय और दूसरा है तात्विक न्याय। ठीक है बेटा,
प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। तो सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, इस पर समकालीन चिंतन में इन दोनों में मतभेद पाया जाता है। मतलब प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, इस पर इन दोनों का एक मत नहीं है। यहां ये दोनों अपने अलग अलग मत देते हैं। अब वो अलग अलग मत क्या है इसको समझना है। तो सबसे पहले ले रहे हम प्रक्रियात्मक न्याय, नोट करें क्या प्रक्रियात्मक न्याय, बेटा ध्यान देंगे हम। देखो प्रक्रियात्मक न्याय वास्तव में ये कहता है कि मूल्यवान वस्तुओं, समझना है आपको, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप केवल ये इतनी बातें दोनों समझ जाइएगा, कंप्लीटली ये दोनों न्याय या आयाम आप समझ जाएंगे। प्रक्रियात्मक न्याय मूल्यवान वस्तुओं, मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, आप सब जानते हैं कि मूल्यवान वस्तुएं, सेवाएं, लाभ क्या होते हैं, मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों इत्यादि के आवंटन, आवंटन मतलब वितरण, बंटवारा, आवंटन की प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर किसे क्या मिलता है यह विवाद का विषय नहीं है। मतलब प्रक्रियात्मक न्याय ये कहता है कि सामाजिक जीवन में न्याय इस रूप में स्थापित किया जाए, इस रूप में स्थापित किया जाए कि मूल्यवान वस्तुएं, तो समाज में मूल्यवान वस्तुएं, सेवाएं हैं, लाभ हैं इत्यादि के आवंटन मतलब बंटवारा वितरण है की प्रक्रिया विधि या न्यायपूर्ण होनी चाहिए। मतलब की प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मतलब जो ये आवंटन है सेवाओं का, लाभों का, वस्तुओं का, इसका जो वितरण किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर किसे क्या मिलता है ये विवाद का विषय नहीं है। मतलब किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमजोर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी जाति विशेष को, वर्ग विशेष को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि आवंटन की प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर किसे क्या मिलता है विवाद का विषय नहीं है। मतलब मूल बात यह है कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसका वितरण किया जाए, फिर किसको क्या मिलता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे कमजोर वर्गों को, निर्धन लोगों को, श्रमिकों को, मजदूरों को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रक्रियात्मक न्याय तो केवल ही केवल यहां पर वितरण की प्रक्रिया या विधि के ऊपर बल दे रहा है कि वितरण की प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर किसको क्या मिलता है इससे इस अर्थात प्रक्रियात्मक न्याय का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने यहां नोट किया नीचे, कानूनी औपचारिक न्याय से मिलता जुलता है, अर्थात जो ये प्रक्रियात्मक न्याय है वह कानूनी औपचारिक न्याय से मिलता जुलता है, क्योंकि कानून औपचारिक न्याय के अंतर्गत वास्तविक रूप में केवल कानून की प्रक्रिया को ही देखा जाता है, वहां पर भी विधि की प्रक्रिया को ही देखा जाता है, इसलिए प्रक्रियात्मक न्याय एक प्रकार से कानूनी औपचारिक न्याय से मिलता जुलता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप निष्कर्ष रूप में क्या समझे, आपको यह समझना है कि प्रक्रियात्मक न्याय सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित हो, इसके लिए इसका कहना है कि भाई समाज के अंतर्गत जो मूल्यवान वस्तुएं, सेवाएं, लाभ हैं, इनके वितरण के आवंटन की जो प्रक्रिया या विधि है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर किसको क्या मिलता है इसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो हो गया प्रक्रियात्मक न्याय, क्लियर। अब दूसरा आता है तात्विक न्याय। देखो तात्विक न्याय इन लाभों का, इन लाभों का मतलब इधर जो ये वस्तुएं, सेवाएं और लाभ हैं, इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन किया जा सकता है। मतलब तात्विक न्याय ये कह रहा है कि ठीक है इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण तो होना चाहिए, लेकिन इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन किया जा सकता है, अर्थात इसकी जो प्रक्रिया है इसमें आवश्यक समायोजन किया जाए और इसमें यह भी देखा जाए कि भाई वास्तविक रूप में जो कमजोर वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो वंचित वर्ग है वो वास्तव में लाभों से, सेवाओं से, वस्तुओं से, मूल्यवान वस्तुओं से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसका कहना है ये, तात्विक न्याय का कहना है, क्योंकि तात्विक न्याय वास्तविक रूप में एक प्रकार से सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। जैसा कि मैंने यहां लिखा है लास्ट में,
तात्विक न्याय का विचार सामाजिक न्याय के निकट जाता है। मतलब तात्विक न्याय ये कहता है कि भाई वास्तविक रूप में सामाजिक न्याय की स्थापना हो, और सामाजिक न्याय की स्थापना हो तो इसका मतलब ये है कि समाज के अंतर्गत जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो लाभ हैं, क्या जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो लाभ हैं, उनका जो वितरण हो रहा है, वितरण में कोई ऐसा न हो कि केवल जो अमीर लोग होते हैं, क्या जो अमीर लोग होते हैं, उच्च जाति के लोग होते हैं, जो मैं ये कहूं कि मलाईदार परत के लोग होते हैं, वहां तक तो सुविधाएं पहुंच जाए, लेकिन वंचित वर्ग, वंचित जातियां, जो निर्धन, कमजोर हैं, मतलब एक प्रकार से प्रताड़ित लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में तात्विक न्याय का कहना है कि जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं केवल कुछ गिने चुने लोगों तक ही ना पहुंचे, बल्कि सभी लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। यदि सभी लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं तो वास्तविक रूप में वहां पर सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है, और जब वहां सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है तो यही तात्विक न्याय है। मतलब तात्विक न्याय सामाजिक जीवन में न्याय की इस रूप में स्थापना करना चाह रहा है कि केवल कुछ लोगों को ही सेवाओं वस्तुओं लाभों का जो वितरण किया जा रहा है केवल उन तक सीमित ना रहे, बल्कि जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनको भी इनका लाभ मिलना चाहिए। मतलब केवल इन्हें गिने या कुछ गिने चुने लोगों तक ही जो ये सुविधाएं हैं वो ना पहुंचे, बल्कि सभी लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। यदि सभी लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी तो निश्चित रूप में वहां पर सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। ये जो सामाजिक न्याय की स्थापना की बात कर रहा है यही वास्तविक रूप में तात्विक न्याय, अर्थात तात्विक न्याय सामाजिक जीवन में न्याय को सामाजिक न्याय के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिससे कि कोई भी वर्ग जो सुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं का लाभों का वितरण किया जा रहा है, उसे वंचित नहीं रहे। ये तात्विक न्याय कह रहा है। तो मुझे विश्वास है आप दोनों को ठीक से समझ गए होंगे। ये वास्तविक रूप में एक प्रकार से जो प्रक्रियात्मक न्याय है ये बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थक है। इसका समर्थक है, ये बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थक है, ये पुलिस राज्य का समर्थक है। इसका कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा केवल लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा तो की जानी चाहिए, लेकिन जन कल्याण से संबंधित कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां पर जो प्रक्रियात्मक न्याय है यह कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करता है। वास्तव में जो पुलिस राज्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य के ठीक विपरीत राज्य है, ठीक है, जिसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसको व्यापक रूप में। देखो प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा उदारवाद के साथ निकट से जुड़ी है। उदारवाद का केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये स्वतंत्रता को प्रबल देता है। तो प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा उदारवाद के साथ निकट से जुड़ी है। इसके अनुसार न्याय का काम व्यक्तियों या समूह के परस्पर संबंधों को नियमित करना है। मतलब यहां वास्तविक रूप में प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों या समूह के परस्पर संबंधों को केवल नियमित करता है कि उनके जो संबंध है उन नियमों के आधार पर चले, बाकी किसको क्या मिलता है इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तियों के परस्पर संबंध अनुबंध की स्वतंत्रता पर आधारित होने चाहिए। अर्थात प्रक्रियात्मक न्याय ये कहता है कि व्यक्तियों के जो परस्पर संबंध होते हैं वो अनुबंध, मतलब समझौता, समझौता कहते हैं इसको, अनुबंध, समझौता, संविदा भी कहते हैं इसको, अनुबंध की स्वतंत्रता पर आधारित होने चाहिए। मतलब व्यक्तियों के जो परस्पर संबंध है वो समझौते की स्वतंत्रता पर आधारित होने चाहिए। फिर इसके बाद में किस व्यक्ति को क्या मिल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी वंचित वर्ग का यदि शोषण किया जा रहा है इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं ये कहूंगा कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वास्तविक रूप में बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है। और इसका कहना है कि वास्तविक रूप में बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो पूर्ण रूप में अनुबंध की स्वतंत्रता होती है, और जब अनुबंध की स्वतंत्रता होती है, समझौते की स्वतंत्रता होती है, संविदा की स्वतंत्रता होती है, तो वहां पर तो प्रक्रियात्मक न्याय ये कहता है कि भाई वहां स्पष्ट रूप में दौड़ प्रतियोगिता होनी चाहिए। अब दौड़ प्रतियोगिता के अंतर्गत जो वास्तविक रूप में आगे जाएगा वो विजेता होगा, और यदि कोई व्यक्ति असक्षम है, असमर्थ है, पीछे रह जाता है तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब राज्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति असक्षम है, असमर्थ है,
वह पिछड़ रहा है, तो इसका कहना है कि उसको पिछड़ने दो, उसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मूल बात यहाँ ये कि दौड़ प्रतियोगिता में सबको भाग लेना होगा, जो आगे जाएगा वो विजेता कहलाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह ही जाएगा, उसको किसी भी रूप में राज्य के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाएगा। अब दौड़ प्रतियोगिता हो, इस तरह यह न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार का प्रमाण मानता है। मतलब इस प्रकार से यह न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार का प्रमाण मानता है। इसका कहना है कि बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार का प्रमाण मान रही है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम वास्तविक रूप में भाई सीधी सी बात है, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, जिसमें प्रतिभा होगी वो आगे जाएगा, जो असक्षम है वो पीछे रह रहा है तो उसको पीछे रहने दे। कारण क्योंकि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था के अंतर्गत उसका कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति यदि मर रहा है, खप रहा है, पिछड़ रहा है, उसको पिछड़ रहने दे, राज्य उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए वास्तविक रूप में जो प्रक्रियात्मक न्याय है एक प्रकार से है पुलिस राज्य का समर्थक है। इसका कहना है कि राज्य केवल लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करे, बाकी जन कल्याण से संबंधित कार्य ना करे। इसलिए वास्तव में जो पुलिस राज्य है यह लोक कल्याणकारी राज्य के ठीक विपरीत है। लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा भी की जाती है और जन कल्याण संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाएं भी राज्य के द्वारा दी जाती हैं। अब इस प्रक्रियात्मक न्याय के जो प्रमुख प्रवर्तक या समर्थक विद्वान है, पहले उनके नाम नोट करेंगे, हार्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया है कि भाई सीधी सी बाजार है, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति योग्य होगा वो जीवित रहेगा, जो अयोग्य है वो मर रहा है, खप रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उसको समाप्त हो जाने दे। क्यों? क्योंकि समाज व्यवस्था में उसका कोई योगदान नहीं होता है। तो ये तो हार्वर्ड स्पेंसर स्पष्ट कह रहे हैं कि योग्यतम की जीवितता, जो व्यक्ति योग्य होगा वो जीवित रहेगा, अयोग्य है वो मर रहा है तो मर जाने दे, राज्य इसकी सहायता ना करे। हार्वर्ड स्पेंसर 1820 से 1903, एफ ए हेयक 1899 से 1922, मिल्टन फ्रीडमैन 1912 से 2006, रॉबर्ट नॉजिक 1938 से 2002, ये प्रक्रियात्मक न्याय के मुख्य समर्थक है। कौन कौन? हार्वर्ड स्पेंसर, एफ ए हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक नोट करेंगे। ये विशेषकर जो है प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक है और ये बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां एक विद्वान है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने इस न्याय को सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ मिलाकर न्याय का विस्तृत सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अब ध्यान देंगे, यहां एक विद्वान है जॉन रॉल्स ने इस न्याय को, कौन से न्याय को? ये प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ मिलाकर न्याय का विस्तृत सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मतलब इसने प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय इन दोनों को मिलाकर के वास्तविक रूप में जो है न्याय का एक व्यापक सिद्धांत देने का प्रयत्न किया है। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, किसके ऊपर? जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। इसलिए यहां इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल आप इतना ही नोट करेंगे। चलिए आगे आते हैं, अभी हम अगली बात, प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत मनुष्य की समान गरिमा और समान महत्व को स्वीकार करता है। अब ध्यान देंगे यहां पर, मतलब जो प्रक्रियात्मक न्याय है ये पहला चल रहा है अभी, प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है मनुष्य की समान गरिमा और समान महत्व को स्वीकार करता है। मतलब प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत वास्तविक रूप में मनुष्य के अंतर्गत जाति, भाषा, धर्म, लिंग, शिक्षा, संपत्ति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इसका कहना है कि मानव मानव है, इसलिए वह सम्मान के योग्य है, गरिमा से संपन्न है। मतलब यहां ये प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत मनुष्य की समान गरिमा और समान महत्व को स्वीकार करता है। इसका कहना है कि सभी व्यक्तियों में विवेक है, सभी की गरिमा समान है, इसलिए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वो आगे निकलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा पिछड़ रहा है, पिछड़ने दो, राज्य उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। फिर मैंने लिखा है कि यह विचार वैसे तो प्रगतिशील विचार है, परंतु यह विचार बाजार अर्थव्यवस्था को आदर्श मानता है। वैसे देखा जाए तो यह विचार एक प्रगतिशील विचार है, क्योंकि मनुष्य की समान गरिमा और समान महत्व को स्वीकार करता है कि भाई जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वो आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, वो पिछड़ेगा।
जहां तक है ये विचार ठीक है, प्रगतिशील है, परंतु यह विचार बाजार अर्थव्यवस्था को आदर्श मानता है। बाजार अर्थव्यवस्था को आदर्श मानता है, इसका मतलब यह है कि यहां वास्तविक रूप में एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में भी दौड़ प्रतियोगिता होगी, और जो आगे निकलेगा दौड़ प्रतियोगिता में जो आगे जाएगा वो विजेता होगा, और जो पीछे रह गया, कोई व्यक्ति असक्षम है, असमर्थ है, अपाहिज है, पीछे रह गया तो पीछे रहने दो, राज्य उसकी सहायता नहीं करेगा, राज्य उसकी मदद नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है विचार बाजार अर्थव्यवस्था को आदर्श मानता है। फिर जो नौजिक है, नौजिक ने पुलिस राज्य का समर्थन किया है। किसने? नौजिक ने। ये यहां आ गए रॉबर्ट नौजिक, जो कि वास्तविक रूप में प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक हैं। तो यहां रॉबर्ट नौजिक ने पुलिस राज्य का समर्थन किया है। रॉबर्ट नौजिक का कहना है कि वास्तविक रूप में यहां पर जो व्यक्ति की संपत्ति है उस संपत्ति की सुरक्षा तो की जाएगी, संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, और अधिकार है तो इसलिए राज्य की स्थापना की गई है। तो व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा तो की जाएगी, उसके जीवन की रक्षा तो की जाएगी, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब जन कल्याण से संबंधित कार्य नहीं किए जाएंगे। कौन कह रहे हैं? ये रॉबर्ट नौजिक ने कहा है। क्या? कि इन्होंने पुलिस राज्य का समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में रॉबर्ट नौजिक ने स्पष्ट रूप में कह दिया है पुलिस राज्य का मतलब यह होता है कि एक ऐसा राज्य होता है जो व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा तो करता है लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जन कल्याणकारी कार्यों को नहीं करता है, इसलिए पुलिस राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के ठीक विपरीत राज्य है। याद रखनी है ये बात आपको। तो ये पुलिस राज्य का समर्थन किया है इसने। किसने? रॉबर्ट नौजिक ने। मतलब रॉबर्ट नौजिक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि भाई जन कल्याण संबंधित कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाए बस। ठीक इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने भी योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया है। मतलब ये भी बाजार अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक है। इन्होंने कहा योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया है। मतलब इनका स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है वही जीवित रहेगा, जो व्यक्ति असक्षम है, अयोग्य है, इनका कहना है, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि व्यक्ति मर रहा है, खप रहा है, समाप्त हो रहा है, पिछड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, हो जाने दो, राज्य उसकी कभी सहायता नहीं करे। तो इसका मतलब यहां ये होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक होगा, स्पष्ट है। व्यक्ति मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, मेहनत नहीं कर रहा है, असक्षम है, अयोग्य है, तो उसको पिछड़ जाने दो, राज्य इसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया है। तो ये भी बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक हो गए। अगला है हेयक। हेयक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि समाज कल्याण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं। मतलब हेयक का कहना है कि समाज कल्याण के लिए या जनहित के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हेयक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए नहीं होना चाहिए। यहां तो सीधी सी बात है कि आर्थिक क्षेत्र में दौड़ प्रतियोगिता होगी, जो आगे जाएगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो सक्षम होगा वो विजेता होगा, और जो असक्षम है, मर रहा है, खप रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उसको नष्ट हो जाने दो। इसलिए समाज कल्याण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप में पूंजीवादी व्यवस्था के ही समर्थक है। कौन? हेयक। इसके बाद में विद्वान है फ्रीडमैन। फ्रीडमैन कह रहे हैं प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद ही मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। अब ध्यान देंगे, ये जो फ्रीडमैन है, इधर आइएगा, ये जो मिल्टन फ्रीडमैन है, ये भी प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक हैं। तो फ्रीडमैन कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद, मतलब जहां पर पूर्ण रूप में ये प्रतियोगिता हो रही है, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद ही मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। मतलब मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्था, विनिमय एक्सचेंज, मुक्त फ्री, मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्था को सहारा कौन देता है? प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद। मतलब यहां पर वास्तविक रूप में समाज कल्याण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्था को सहारा कौन देगा? प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद। अर्थात यहां पर वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था होगी और ये पूर्ण रूप में स्वतंत्र होगी, इसके ऊपर समाज कल्याण के लिए कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये बात फ्रीडमैन कह रहे हैं। इसका मतलब ये भी जो है पूंजीवादी व्यवस्था के ही समर्थक है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं सी बी मैकफर्सन ने फ्रीडमैन के तर्कों का खंडन किया। अब ध्यान देंगे यहां थोड़ा, ये जो फ्रीडमैन कह रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, तो सी बी मैकफर्सन ने फ्रीडमैन के तर्कों का खंडन किया है। मतलब इनके विपरीत विचार दिए हैं और कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था को सरल विनिमय अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना एक भूल है। मतलब इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था को सरल विनिमय अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना एक भूल है, क्योंकि
पूंजीवादी व्यवस्था की विलक्षण बात यह है कि इसमें श्रम और पूंजी एक दूसरे से विमुक्त हो जाते हैं। श्रम को बाजार में बेचने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की प्रतिभा को कुंठित कर देती है। मतलब वास्तविक रूप में जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत व्यक्ति के पास श्रम बेचने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और श्रम बेचने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में मनुष्य की प्रतिभा कुंठित हो जाती है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। वो करे तो क्या करे, वो तो अपने श्रम को बेचेगा। यहां तक कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो भी अपने मानसिक श्रम को बेचेगा। मैं आज कह सकता हूं आपको निजीकरण के दौर के अंतर्गत ये कमी पाई जा रही है, तो ये प्रक्रियात्मक न्याय प्रकार से निजीकरण का समर्थक हो रहा है, निजीकरण का समर्थन कर रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन कर रहा है, पूंजीवाद व्यवस्था का समर्थन कर रहा है। तो यहां पर किसी का शोषण हो रहा है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो प्रक्रियात्मक न्याय के आधार पर कभी भी सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने यहां इसमें लिखा है इसमें न्याय नहीं, मतलब वास्तविक रूप में प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सामाजिक जीवन में सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। यहां जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े हुए हैं, जो असक्षम है, उनका शोषण हो रहा है, तो उनकी तरफ ही ध्यान नहीं देते। इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि फिर किसे क्या मिलता है यह विवाद का विषय नहीं है। बस जो वितरण की प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण हो, वितरण की प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। मतलब वितरण की जो प्रक्रिया विधि है न्यायपूर्ण हो, फिर किसको क्या मिलता है इनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि तात्विक न्याय साफ कह रहा है कि वितरण की प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो लेकिन उसका लाभ कुछ लोगों को नहीं मिले, बल्कि उसका लाभ समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए। इसका मतलब तात्विक न्याय सामाजिक न्याय का समर्थक है, जबकि प्रक्रियात्मक न्याय कानूनी औपचारिक न्याय का समर्थक है। इसका मिलता जुलता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, किसकी, तात्विक न्याय की। प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत तात्विक या सामाजिक न्याय का समकालीन विचार समाजवाद के साथ निकट से जुड़ा है। अब नोट करें इसको, प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत, मतलब जो ये प्रक्रियात्मक न्याय है, ये जो प्रक्रियात्मक न्याय है इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत है कौन, तात्विक न्याय। समझे जरा, प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत, क्योंकि प्रक्रियात्मक न्याय तो भाई बाजार अर्थव्यवस्था की बात करता है, यहां पर खुली प्रतियोगिता होगी, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किसी भी रूप में बाजार अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यहां पूर्ण रूप में स्वतंत्रता होगी। बस इतना जरूर है कि वितरण की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होगी लेकिन किसको क्या मिल रहा है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई वंचित वर्ग है, पिछड़ रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, होने दो, इनका कोई लेना देना नहीं है। योग्य व्यक्ति है जीवित रहेगा, अयोग्य व्यक्ति है मर रहा है, मर जाने दो। प्रक्रियात्मक न्याय में इनका कोई लेना देना नहीं है। तो प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत तात्विक या सामाजिक न्याय, इसको सामाजिक न्याय भी कहते हैं, तात्विक या सामाजिक न्याय का समकालीन विचार समाजवाद के साथ निकट से जुड़ा है। मतलब जो तात्विक न्याय है वह वास्तविक रूप में समाजवाद के साथ निकट से जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि सामाजिक न्याय के समर्थक ये मानते हैं कि जब तक समाज संपूर्ण सामाजिक संपदा, जब तक समाज संपूर्ण सामाजिक संपदा, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों में पांच होते हैं, विशेषकर भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उत्पादन के साधनों तथा सामाजिक जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों में खुली प्रतियोगिता विषमता को जन्म देती है। इसका कहना है कि वास्तविक रूप में खुली प्रतियोगिता होगी तो ऐसी स्थिति में वहां पर असमानता बढ़ेगी, आर्थिक क्षेत्र में असमानता बढ़ेगी, क्योंकि वास्तविक रूप में जो व्यक्ति सक्षम है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो असक्षम है वो पिछड़ते चले जाएंगे। और इसमें प्रक्रियात्मक न्याय ने साफ कह दिया है कि उनका कोई सहारा देने की जरूरत ही नहीं है, जबकि तात्विक न्याय स्पष्ट रूप में कह रहा है कि उनकी सहायता करनी है। तो देखिएगा यहां पर जीवन से प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण को न्यायपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक जीवन में खुली प्रतियोगिता विषमता को जन्म देती है। न्याय का ध्येय कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में अनुचित विषमताओं को दूर करना है। अब ध्यान देंगे, न्याय का जो ध्येय है वो तो वास्तविक रूप में कानूनी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अनुचित विषमताओं को दूर करना है। अनुचित जो असमानताएं, विषमताएं, उनको दूर करना है, न्याय का ध्येय है ये। तो यहां प्रक्रियात्मक न्याय में तो ये ध्येय पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको साफ कह दिया गया है कि केवल जो ये सेवा लाभ है इनका जो वितरण किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया विधि पूर्ण न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए। बस
अब किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में यहां लेना देना है कि जो वंचित है पिछड़े हुए हैं उनको भी मिलना चाहिए, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही लाभ नहीं मिलना चाहिए। किसका लाभ? जो ये सेवाएं हैं, जो ये वस्तुएं हैं। तो मैंने यहां लिखा न्याय का ध्येय कानूनी क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों में अनुचित विषमताओं को दूर करना है, और सामाजिक न्याय की मांग है कि सामाजिक विकास के लाभ कुछ लोगों के हाथों में सीमित कर न रह जाएं, बल्कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो निर्धन हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, पतित हैं, सताए हैं, प्रताड़ित हैं, जो फुटपाती लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि भरपेट भोजन भी नहीं ले पाते हैं, वास्तविक रूप में उन सब तक सामाजिक विकास के लाभ पहुंचने चाहिए। यदि उन सब तक सामाजिक विकास के लाभ पहुंच रहे हैं तो वास्तविक रूप में वहां पर सामाजिक या जो है तात्विक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। तो वास्तव में सामाजिक जीवन में न्याय किस रूप में स्थापित किया जाए, ये जो तात्विक न्याय है प्रक्रियात्मक न्याय इनमें मतभेद है। तात्विक न्याय तो ये कहता है कि समाज के अंतर्गत वास्तव में जो पिछड़े से पिछड़े वंचित हैं उन सबको जो है सेवाओं का, मूल्यवान वस्तुओं का, लाभों का जो वितरण हो रहा है सबको फायदा होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, जबकि प्रक्रियात्मक न्याय का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात करता है और ये किसकी बात करता है? समाजवाद की बात करता है। यहां पर स्पष्ट रूप में कहा गया है कि उत्पादन के साधनों तथा सामाजिक जीवन से प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण को न्यायपूर्ण नहीं बनाया जा सकता, किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसलिए आर्थिक जीवन में खुली प्रतियोगिता विषमता को जन्म देती है, और न्याय का ध्येय कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में अनुचित विषमताओं को दूर करना है, और सामाजिक न्याय की मांग है कि सामाजिक विकास के लाभ कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए, बल्कि वास्तविक रूप में समाज के जो वंचित वर्ग पिछड़े उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो वास्तविक रूप में जो ये तात्विक या सामाजिक न्याय का समकालीन विचार है वह समाजवाद के साथ निकट से जुड़ा है, और समाजवाद के साथ निकट से जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ ये है कि वास्तविक रूप उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व हो वो पूरा समाज हो, कोई व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका न्याय के विविध आयामों में अंतिम दो आयाम, प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर मैंने आपको न्याय के जो विविध आयाम है इसमें 7 आयाम आपको समझा दिए हैं। अब ये हो गए आपके न्याय के विविध आयाम। तो मुझे पूरा विश्वास है आप न्याय के जो ये 7 आयाम हैं, 7 के 7 आयाम ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।